हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आईटीएफ का लेक्चर नंबर 4। अब इसमें हम डिस्कशन करेंगे कॉस इनवर्स के बारे में। साइन इनवर्स का डिस्कशन हो चुका है अच्छे से। इसमें देखिए, कॉस इनवर्स एक्स या आर कॉस एक्स, कॉस इनवर्स एक्स या आर्क कॉस एक्स, रिप्रेजेंट्स एन एंगल व्हिच कॉस इज इक्वल टू एक्स एंड व्हिच lies in interval 0 to pi देखिए cos inverse x या r cos x भी एंगल को ही रिप्रेजेंट करता है, और यह उस एंगल को रिप्रेजेंट करता है जिसका cos x के बराबर होता है, और वह एंगल जो होना चाहिए 0 to pi के बीच में होना चाहिए। चलिए आगे एग्जांपल लेते हैं, बाद में बहुत सारे डिस्कशन हम साइन के ऊपर कर चुके हैं इसके बारे में। अब बिना टाइम गंवाए हुए आगे बढ़ते हैं। कॉस इनवर्स जैसे मान लीजिए 1/2, आप याद रखिएगा कॉस इनवर्स 1/2 भी एंगल को ही रिप्रेजेंट करेगा, और यह उस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका कॉस 1/2 के बराबर होता है। तो आप याद रखिएगा, यहां पर ऐसे याद कर लेना चाहिए आपको, कॉस इनवर्स कॉस जीरो का वैल्यू जो होता है ये होता है 1, कॉस पाई बाय 6 का वैल्यू होता है √3/2, कॉस पाई बाय 4 का वैल्यू होता है 1/√2, कॉस पाई बाय 3 का वैल्यू होता है 1/2, कॉस पाई बाय 2 का वैल्यू होता है 0। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और आगे वाले पहले लेक्चर में ही हम बात कर चुके हैं, 0 डिग्री बोले तो 0 ये डिग्री में, ये रेडियन में एंगल, 30 डिग्री बोले तो 30 डिग्री का मतलब होता है पाई बाय 6, पाई बाय 6। 45 डिग्री को यदि आप रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो ये होता है पाई बाय 4। 60 डिग्री का जो रेडियन मेजरमेंट होगा ना, वो हो जाएगा पाई बाय 3। 90 डिग्री का पाई बाय 2। ठीक है ना, मतलब यदि यहां लिखा हुआ जैसे मान लीजिए कॉस पाई बाय 3, तो मतलब कॉस 30 का पाई बाय 4, कॉस 45 नहीं पाई बाय 6, पाई बाय 3 1/2 और कॉस पाई बाय 2, मतलब 90 डिग्री इसका वैल्यू आ जाएगा 0। चलिए, कॉस इनवर्स 1/2 एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, और यह उस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका कॉस 1/2 के बराबर होगा, वो एंगल होगा पाई बाय 3। इसी प्रकार से कॉस इनवर्स √3/2 भी एंगल को ही रिप्रेजेंट करेगा, और ये पूरा पूरी उस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका कॉस √3/2 के बराबर होगा। किस एंगल का कॉस √3/2 के बराबर, देख लीजिए पाई बाय 3 एंगल, पाई बाय 6 एंगल का जो कॉस होता है ना, वो √3/2 के बराबर होता है। सो यहां पर आप लिख लीजिए पाई बाय 6। फिर मान लीजिए कॉस इनवर्स 1 का वैल्यू यदि आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कॉस किस एंगल का जो वैल्यू होता है वो 1 के बराबर होता है। तो कॉस देख लीजिए, यहां पर कॉस 0 जो होगा ना, मतलब 0 बोले तो 0 डिग्री भी आप बोल सकते हैं, कॉस 0 का जो वैल्यू होगा ना वो 1 के बराबर होगा। सो आप बोल सकते हैं कॉस इनवर्स 1 का वैल्यू 0 होगा। चलिए, कॉस इनवर्स 1/√2, कॉस किस एंगल का वैल्यू 1/√2, 45 डिग्री का जो एंगल होता है बोले तो पाई बाय 4 का एंगल 1/√2 हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ये सब कॉस इनवर्स एक्स या आर कॉस एक्स एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, और यह उस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका कॉस एक्स के बराबर होगा, और वह एंगल 0 टू पाई के बीच में लाई करेगा। मतलब ये हुआ कि ये थोड़ा सा बड़ा करके लिख देते हैं इसमें, मतलब ये कि ये जो आप पूरा एक्सप्रेशन देख रहे हैं ये एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे देख लीजिए, यहाँ कॉस इनवर्स 1/2 का वैल्यू आप निकाले हैं, ये आया पाई बाय 3, पाई बाय 3 तो एंगल को ही रिप्रेजेंट करता है। कॉस इनवर्स √3/2 का वैल्यू निकाले हैं, वो आया है पाई बाय 6, ये भी एक एंगल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब जितने भी ऐसे देखा जाए तो
जितने भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना, सब के सब एंगल को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कॉस इनवर्स एक्स उस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका कॉस एक्स के बराबर होगा, साइन इनवर्स एक्स भी उस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका साइन एक्स के बराबर होगा, टेन इनवर्स एक्स भी उस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका टेन एक्स के बराबर होगा। इस प्रकार से हर एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है ना, मतलब उस एंगल को रिप्रेजेंट करता है जिसका कॉस टेन से कॉसेक उनके आर्गुमेंट के बराबर होता है। बस इतना बात आप ध्यान में रखिएगा और याद रखिएगा इस एंगल का जो वैल्यू होगा ना, ये 0 टू पाई के बीच में ही लाई करेगा। इससे जैसे ही आप बाहर ले लेंगे फिर वो होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि कॉस पाई बाई थ्री का ही वैल्यू 1/2 होता है। कॉस बहुत सारे एंगल पर 1/2 वैल्यू देगा, सो आप ये नहीं बोल सकते हैं, बट ये वही वैल्यू है जो 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद जैसे मान लीजिए आर्ग्यूमेंट में यदि निगेटिव आ जाए, कॉस इनवर्स का आर्ग्यूमेंट में मान लीजिए यदि निगेटिव आ जाता है तब उसका वैल्यू कहेगा निकालने के लिए। जैसे प्लस वाला जितना भी था वो सब अभी हम एग्जांपल के थ्रू कर चुके हैं। यदि निगेटिव में आ जाए एंगल, आर्ग्यूमेंट निगेटिव में आ जाए तब आप क्या करेंगे उसके लिए, तो इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए आप नॉट में लिख सकते हैं इस चीज को, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो होता है ना वो होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए, ये होता एक्चुअली कैसे है। कॉस इनवर्स एक्स एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको अल्फा मान लेते हैं। और उसके बाद फिर अच्छा एक बात और देख लीजिए, पहले वो ज्यादा बढ़िया रहेगा जब आप वो कर लेंगे तो ये आपको बहुत ज्यादा आसान लगेगा। ऐसे हम साइन के टर्म में हम आपको ये बात बोल चुके हैं, नॉट में आप लिख लीजिएगा इफ, ये ऐसे हर एक त्रिकोण इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए हम लिखेंगे, इफ कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स, यदि कॉस थीटा का वैल्यू एक्स के बराबर आएगा तो आप थीटा बराबर निकाल सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स, लेकिन ये तब पॉसिबल है जब थीटा जो होगा 0 टू पाई के बीच में लाई करेगा और ये जो x होगा वो -1 से 1 के बीच में। जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तब तक आप इनवर्स नहीं ले सकते हैं, या इसका उल्टा भी सही है। यदि थीटा इक्वल्स टू कहीं मान लीजिए दिया हुआ है कॉस इनवर्स x, यदि कहीं ये दिया हुआ है और आपको ये भी पता चल गया कि थीटा जो है 0 टू पाई के बीच में लाई कर रहा है और ये x जो है -1 से 1 के बीच में है, तब आप क्या कर सकते हैं, इस इनवर्स फंक्शन में जो cos यहां लगा हुआ है, cos में जो इनवर्स लगा हुआ है, इस cos को आप उठा के, cos इनवर्स को उठा के जैसे आप इस साइड लाएंगे तो ये सेट हो जाएगा थीटा के साथ, अर्थात बोला जाए तो cos थीटा हो जाएगा और cos थीटा इक्वल्स टू x दिखेगा ये, ठीक है। मतलब इसका उल्टा भी सही है, यदि इतना कंडीशन आपको दिख जाए कि थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स x है और आपको x का वैल्यू कहीं निकालने के लिए, तो आप इसको जैसे उठा करके इस साइड करेंगे तो ये आकर के सेट हो जाएगा। मतलब आप इसको ये कर सकते हैं तो इसको भी ऐसे कर सकते हैं, ऐसा तभी होगा, इससे आप इसमें कन्वर्ट तब कर पाएंगे जब ये कंडीशन सेटिस्फाई रहेगा, या इससे इसमें तब लाएंगे आप जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा होगा, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। ये हो गया पहला नंबर में। दूसरा नंबर में चलते हैं। दूसरी बात ये है कि यदि मान लीजिए आर्गुमेंट में निगेटिव आ जाए, जैसे मान लीजिए कॉस इनवर्स के आर्गुमेंट में निगेटिव आ गया, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो ये माइनस जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। सो इसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले इस पर एग्जाम्पल कर लेते हैं एक दो। एग्जाम्पल है जैसे मान लीजिए कॉस इनवर्स
माइनस वन बाय टू। ये एक एग्जांपल कर लेते हैं, कॉस इनवर्स माइनस वन बाय टू। इसमें देखिए आर्गुमेंट में आपको माइनस दिख रहा होगा, और कॉस के आर्गुमेंट में जैसे ही माइनस रहे तो वो माइनस इस प्रकार से बाहर निकालता है, पाए माइनस कॉस इनवर्स वन बाय टू। पाए माइनस और कॉस इनवर्स वन बाय टू के बारे में अभी हम आपको बताए थे इसी लेक्चर में, लेकिन फिर से एक बार आप देख लीजिए। कॉस इनवर्स वन बाय टू एंगल को रिप्रेजेंट करता है, और यह उस एंगल को रिप्रेजेंट करता है जिसका कॉस वन बाय टू के बराबर होता है। किस एंगल का कॉस वन बाय टू के बराबर होता है बताइए? वो होता है पाई बाय थ्री एंगल का कॉस वन बाय टू के बराबर। और यदि आप इसको एक्सप्लेन करते हैं तो ये आ जाएगा थ्री पाई में से पाई आ जाएगा, तो ये आ जाएगा टू पाई बाय थ्री। पाई बाय थ्री का मतलब होता है 60 डिग्री। 60 में टू से मल्टीप्लाई कीजिएगा 120, और 120 जो होगा जीरो टू पाई, पाई बोले तो 180, जीरो से 180 के बीच में ये लाए। कर जाएगा, ये सही है। ठीक है, अब आगे आते हैं, आगे चलिए। आगे है कॉस इनवर्स माइनस रूट थ्री बाय टू यदि आ जाए, इसको कैसे करेंगे? देख लीजिए, यहां पर कॉस इनवर्स के आर्गुमेंट में नेगेटिव आ रहा है, आर्गुमेंट बोले तो आगे वाला, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कॉस इनवर्स के आर्गुमेंट में नेगेटिव रहता है, तो ये वाला प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। ये वाला प्रॉपर्टी यूज करने का मेथड है कि यदि आपको माइनस बाहर निकालना रहे तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख दीजिएगा। यहाँ कॉस इनवर्स माइनस रूट थ्री बाई टू है, तो यहां से माइनस जब बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स रूट थ्री बाय टू। तो ये आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स रूट थ्री बाय टू। तो ये भी एक एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, या उस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका कॉस रूट थ्री बाय टू के बराबर होगा, तो वो तो पाई बाय सिक्स होता है। चलिए पाई बाय सिक्स, और ये आ जाएगा फाइव पाई बाय सिक्स जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो। और फाइव पाई बाय सिक्स, पाई बाय सिक्स बोले तो 30 डिग्रीज, और उसमें आप फाइव से मल्टीप्लाई कीजिएगा, पाँच तीन पंद्रह 150, 150 डिग्री जो होगा वो 0 to 180 के बीच में आ जाएगा। सो ये सही है, ठीक है ना। अच्छा चलिए आगे और भी एग्जाम्पल लगाते हैं हम इस बेस पर। जैसे मान लीजिए यहां लगा देते हैं एग्जाम्पल, कॉस इनवर्स माइनस वन, ये भी हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स वन। कॉस इनवर्स वन का वैल्यू जीरो हो जाएगा, क्योंकि कॉस जीरो का वैल्यू वन होता है, इसीलिए इसका उल्टा बोल दीजिए जीरो। कॉस कितना का वैल्यू? वन, तो कॉस जीरो का वैल्यू वन, तो ये हो जाएगा जीरो, तो पाई माइनस जीरो हो जाएगा पाई। और चलिए और लगाते हैं एक और एग्जाम्पल, कॉस इनवर्स माइनस वन बाय रूट टू। कॉस इनवर्स माइनस वन बाय रूट टू, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स वाले प्रॉपर्टी पे आएगा, और कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सो ये आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स वन बाय रूट टू। और कॉस इनवर्स वन बाय रूट टू का वैल्यू यदि आप निकालेंगे तो वो आ जाएगा, चलिए इसको मिटाते हैं, ये आ जाएगा पाई माइनस, ओ अच्छा अच्छा एक मिनट, इसका हो जाएगा पाई बाय फोर, ये आ गया पाई बाय फोर, और ये आ जाएगा थ्री पाई बाय फोर यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो। चलिए एक मिनट, ये सॉल्व कैसे होता है ये भी हम आपको बता देते हैं, बहुत सारे बच्चे को हो सकता है परेशानी आ जाए। यहाँ वन और फोर का एलसीएम यदि आप निकालेंगे तो आ जाएगा फोर। फोर को जैसे भिन्न का घटाव होता है ना, वही निकाल रहे हैं, तो वन को फोर से डिवाइड कीजिएगा तो फोर आ जाएगा, और जो आया क्वेश्चन में उसको ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा फोर पाए। फोर से फोर को डिवाइड कीजिएगा आएगा वन, वन को पाए से कीजिएगा तो माइनस पाए आ जाएगा। फोर पाए में से पाए जाएगा तो आ जाएगा थ्री पाए, अब बाय कितना? फोर आ गया।
अब जैसे मान लीजिए, चलिए एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। मतलब एक क्वेश्चन ही बना देते हैं इसको। अब इसको प्रूव्ड कैसे किया जाए, एक बात याद रखिएगा, कॉस इनवर्स एक्स बार बार हम बोलते आ रहे हैं, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सबके सब एंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये कॉस इनवर्स माइनस एक्स भी एंगल को ही रिप्रेजेंट करेगा। सो इसको हम मान लेते हैं अल्फा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स भी एंगल को ही रिप्रेजेंट करेगा, इसको मान लेते हैं अल्फा। यदि इसका वैल्यू अल्फा आया, जैसे मान लीजिए आर्गुमेंट में कुछ भी है, जैसे यहाँ पर जो एग्जांपल है, ये आर्गुमेंट में कुछ भी है लेकिन इस एंगल का देखिए जो वैल्यू निकला है, मेरा जो मेन जो था, मेरा जो कहना था कि ये देखिए आपको ये दिख रहा होगा 0 to π के बीच में, हम बार बार ये बात को अभी दोहराए थे, इधर भी एग्जांपल लिए थे एक, वहाँ पर भी हम आपको बार बार बोल रहे थे कि इसका जो वैल्यू निगेटिव वाला का निकाल रहे थे आर्गुमेंट में जो आ रहा था, उसमें हम दिखा रहे थे आपको 0 to π 0 to π 0 to π। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम आर्गुमेंट में निगेटिव भी रहे और उसका वैल्यू कॉस इनवर्स में निकालते हैं ना, कॉस इनवर्स पर निकालते हैं, तो फिर उसका जो कुछ भी वैल्यू आता है, मान लीजिए अल्फा आ गया, तो ये अल्फा भी तो 0 to π के बीच में होगा ना, ये भी तो 0 से, देखिए अभी जितना भी एग्जाम्पल निगेटिव वाला भी लिए हैं उसका आर्गुमेंट भी, उसका एंगल भी क्या आया है 0 to π के बीच में ही, ये भी आ जाएगा 0 to π के बीच में, अल्फा 0 to π के बीच में आएगा। अच्छा चलिए, अब देखिए यहाँ पर हम आपको बता दिए हैं कि और एक बात और कि यदि मान लीजिए अल्फा 0 to π के बीच में रहे और हम आपको जो बोले हैं वो ये बात बोले हैं, कॉस थीटा इक्वल्स टू, यदि एक्स रहता है तो थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स तब होगा जब ये यहाँ जो आप x देख रहे हैं वो -1 से 1 के बीच में होगा और थीटा जो देख रहे हैं आप वो जीरो टू पाई के बीच में रहेगा, तब जा करके हम इनवर्स लेंगे, या इसका जो उल्टा उल्टा यदि हम एक्सप्रेशन वो करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ ITF में लिखा हुआ है और उनको फिर से हम ट्रिगोनोमेट्री में सिंपल ट्रिगोनोमेट्री में कन्वर्ट करेंगे, ऐसा तब पॉसिबल होगा जब ये दोनों कंडीशन सही होगा। यहाँ पर अल्फा तो 0 to π के बीच में लाई करेगा ही, चूंकि इतना बराबर हम माने हैं तो उनको तो होना ही चाहिए, बट यहाँ इसको इस तरफ लिखने के लिए, जैसे मान लीजिए कि आपका इच्छा करेगा कि नहीं सर इसको हम इधर कर देते हैं, करते हैं, ऐसा नहीं कि बच्चे लोग नहीं करते हैं, बच्चे लोग तो कर देते हैं बिना जाने पहचाने, जब तक कि आपको माइनस एक्स के बारे में ये पता नहीं चल जाए, पता नहीं है तब भी आप कर देते हैं माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉस अल्फा कर देंगे, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने क्या ये चेक किया कि माइनस एक्स भी -1 से 1 के बीच में, जरूरत नहीं है यदि आप नहीं भी करते हैं ना, 12th स्टैंडर्ड पे यदि आप खेल रहे हैं बात कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बट ऐसा थोड़े कि 12th में पढ़ने के लिए नहीं है ये सब चीज, बच्चे को तो ये तमाम चीज आना चाहिए। आप ऐसे कर देंगे, यहाँ से उठा के इधर लाएंगे और आपको पता ही नहीं है माइनस एक्स -1 से 1 के बीच में नहीं है तो गलत हो जाएगा, इसलिए चूंकि यहाँ पर देखिए एक्स के बारे में आपको पता है या मान लीजिए एक्स के बारे में आपको पता है ना, कॉस के लिए एक्स जो होता है -1 से 1 के बीच में होता है, तो अब आप माइनस एक्स को चेक करना चाहते हैं तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, हर एक इनक्वालिटीज में, इसमें भी इसमें भी इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि आ जाएगा 1, क्योंकि जो माइनस वाला है वो प्लस वाला हो जाएगा, माइनस नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। यदि आप इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस एक्स, इसमें करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस, और नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। सो आप बोल सकते हैं फिर यह आ जाएगा -1, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट करने पर इनक्वालिटी का डायरेक्शन भी बदल जाता है, मतलब यदि ग्रेटर रहेगा तो लेस हो जाएगा, लेस रहेगा तो ग्रेटर होगा, तो पहले इसको लिखते हैं उसके बाद इसको लिखते हैं उसके बाद एक्स को लिख देते हैं, चलिए लेफ्ट को देखिए राइट के हैं, ये ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ दिख रहा है, यहाँ हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, यहाँ भी इस प्रकार से आ जाएगा, अच्छा यहाँ माइनस एक्स है, अब आपको दिख रहा है अल्फा भी आ गया, अब आपको दिख गया ना
कि माइनस एक्स भी माइनस वन से वन के बीच में लाई कर रहा है और अल्फा तो जीरो से पाई के बीच में होगा ही, सो यहां पर आप इनवर्स ले सकते थे। यदि आप यहां, अब पता चल गया मुझे, इसीलिए इनवर्स ले लिए। ऐसे ट्वेल्थ के लिए कोई दिक्कत नहीं, हम आपको जस्ट अभी 10 सेकेंड 15 सेकेंड में आपको हम करके दिखा देंगे ये चीज। चलिए ठीक है, अब आप इस माइनस को उठा के उस साइड कीजिएगा, एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस कॉस अल्फा। अच्छा यहाँ लफड़ा ये है, जैसे मान लीजिए कल आया था एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा और एक्स इक्वल्स टू साइन माइनस थीटा हम लिख दिए थे, क्योंकि जब आप साइन से माइनस बाहर निकालेंगे तो वो माइनस साइन थीटा आ जाएगा। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यदि आप माइनस कॉस थीटा को कॉस माइनस थीटा लिखते हैं तो आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि माइनस कॉस थीटा कॉस माइनस थीटा होता ही नहीं है। तो क्या किया जाए इसके लिए, माइनस किस किस पर आएगा, माइनस देखिए किस किस एंगल पर आएगा, ये मतलब कॉस माइनस कॉस थीटा आएगा बताते हैं आपको हम, क्योंकि ये तो सही नहीं है। जैसे मान लीजिए माइनस कॉस थीटा है ये, और माइनस को आर्गुमेंट के अंदर करना चाहते हैं, बोले तो यहाँ पर आर्गुमेंट में लाना चाहते हैं माइनस को, और ये माइनस को हटाना चाहते हैं, तो ये किस किस केस में देखिए ऐसा होगा, जब ये आ जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा, जब इसका वैल्यू आप निकालेंगे तब जाकर के ये होगा माइनस कॉस थीटा। यदि आप पाई प्लस थीटा लेते हैं तब भी ये क्या होगा, माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, पाई बोले तो 180 डिग्री माइनस थीटा। यदि आप कॉस 3 पाई माइनस थीटा लेते हैं तब भी ये माइनस कॉस थीटा आएगा, कॉस 3 पाई प्लस थीटा लेते हैं तब भी ये माइनस कॉस थीटा आएगा। मतलब इस प्रकार से आप लेते जाइएगा माइनस वाला जो भी होगा वो आपको दिख जाएगा कि ये तमाम एंगल पर ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल रहेगा, तब जाकर के कॉस क्या होगा माइनस थीटा में बदल जाएगा। फाइव पाई प्लस थीटा पर भी ये माइनस ही देगा। ये सब जितने भी एंगल आपको दिख रहा है ना, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, थ्री पाई माइनस थीटा, थ्री पाई प्लस थीटा, थोड़ा सा देख लीजिए इसके बारे में, थोड़ा सा हम आपको बता ही देते हैं, नहीं तो फिर बच्चे को लगता है कि यार हम कैसे सोचें कि ये माइनस कब होगा और माइनस कब नहीं होगा। एक चीज़ आपको समझ में आता होगा, एक क्वाड्रेंट बना लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन जो होता है ना 180 डिग्री बनाती है, यहाँ से यहाँ तक 180। अच्छा जैसे मान लीजिए आप ये मत एरो मत दिखाइए, आप सीधा सीधे ऐसे बोल दीजिए कि ये 180 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 180 डिग्री आ जाएगा। मतलब ये सीधा सीधी जब आप एक स्ट्रेट लाइन का एंगल देखेंगे, चाहे वो क्लॉकवाइज देखिएगा या एंटी क्लॉकवाइज देखिए, इसका जो एंगल का जो मैग्नीट्यूड का मतलब होगा, लंबाई होगा ना यहाँ से यहाँ तक का मैग्नीट्यूड, मतलब लेंथ जो होगा ये एंगल का 180 आएगा, बट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाइज के वजह से थोड़ा सा एंगल का नेगेटिव पॉजिटिव आता है साइन में चेंज। जैसे मान लीजिए यदि आप एंगल को क्या करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, क्लॉक बोले तो इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि आप एंगल को लेते हैं तो एंगल को आप नेगेटिव मेजर कीजिए, और यदि आप एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं एंगल को आप पॉजिटिव मेजर कीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ एरो दिखा दिए, लेकिन यदि आप मैग्नीट्यूड के तौर पे देखते हैं, मैग्नीट्यूड बोले तो इसका लेंथ, यहाँ से यहाँ तक एंगल का लेंथ, एक स्ट्रेट लाइन जितना एंगल बनाती है उसका लेंथ यदि आप मेजर करते हैं, तो आप सीधा सीधी 180 समझ करके चलें। जैसे मान लीजिए इस तरीका से एंगल आप घुमा रहे हैं तो वो निगेटिव में जा रहा है, अलग बात है, लेकिन यदि मैग्नीट्यूड बोला जाए ना, मैग्नीट्यूड बोले तो आप उसका लेंथ मानिए, लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसीलिए हमेशा पॉजिटिव लीजिएगा मैग्नीट्यूड में। अब चलिए यहाँ आते हैं, यहाँ देखिए कहीं ना कहीं स्टार्टिंग जो होता है किसी भी एंगल का वो होता है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, यहाँ से रे स्टार्ट होता है चलना। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आए तो 180 बना होगा, आप सीधा सीधे समझिए 180, जब आप 180 को पाई की तरफ फील कीजिएगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा एंगल का पोजीशन।
जैसे मान लीजिए यहां से आप यहां आए, पहले जीरो पर थे, जब एंगल का क्या कहते हैं यहां पर मेजरमेंट जहां से आप स्टार्ट करते हैं, जहां से आप एंगल को मापना स्टार्ट करते हैं, कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू जीरो रही होगी। अब यहां से जब आप यहां आते हैं तो ये जीरो टू पाई आया होगा, तो पाई हम इस एरिया में लिख देते हैं। चलिए इधर पाई आया, फिर बेटा आप जब यहां से आप यहां आएंगे तो ये फिर देखिए यहां से यहां तक होता है पाई, ये पाई है, फिर ये भी ऊपर पाई था नीचे पाई था, जोड़िएगा तो ये आ जाएगा टू पाई, ठीक है ना, टू पाई आ जाएगा। फिर चलिए यहां से टू पाई यहां पर था, इस एरिया में टू पाई आया, फिर आप यहां से यहां आएंगे तो उसी टू पाई में पाई आपको ऐड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा थ्री पाई। फिर आप ऐसे आएंगे, फिर ऐसे आप आइएगा, चूंकि ये पूरा पूरी एक स्ट्रेट लाइन है और ये एंगल देता है पाई, तो फिर इसमें जब आप पाई जोड़ेंगे किसमें, थ्री पाई में, चूंकि यहाँ थ्री पाई था, फिर थ्री पाई में आप पाई जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका फोर पाई, लेकिन स्टार्टिंग जीरो से हुआ था इसलिए आप जीरो लिख दीजिए। फिर जब आप यहाँ से यहाँ आएंगे तो फिर देखिए यहाँ पर फोर पाई था, फोर पाई में फिर आप यदि पाई ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा फाइव पाई, फिर आप यहाँ आएंगे तो ये आ जाएगा सिक्स पाई, सिक्स पाई यहाँ लिख देते हैं, फिर यहाँ से यहाँ आइएगा तो ये आ जाएगा सेवन पाई। इस तरीका से आप देख पा रहे हैं कि इधर देखिए जितना भी पाई के साथ मल्टीपल हो रहा है ना, वो सब के सब ऑड इंटीजर आ रहा है, इंटीजर इसलिए भी आपको फील नहीं आ रही होगी। एंगल को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से रोटेशन स्टार्ट करते हैं, यहाँ से यहाँ आएंगे तो आप ले लीजिएगा माइनस पाए, चूँकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल का मेजरमेंट निगेटिव लेते हैं, एक सिम्बॉल है ये कि आप ऐसे चलें, निगेटिव देख करके आपको पता चलना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं एंगल को माइनस पाई ले लेंगे, फिर आपको कैसे पता चलेगा कि एंगल का मेजरमेंट किस प्रकार से किया गया है, तो पाई का एक निगेटिव एक सिंबल को दिखाता है कि नहीं इधर से एंगल नहीं जा करके वो जो है ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया है, बस यही एक सिंबल है, बाद बाकी मैग्नीट्यूड पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जितना एंगल का लेंथ ये होगा उतना ही ऊपर से भी जाएगा तो भी वही होगा। जब आप यहाँ से यहाँ आते हैं तो फिर आज मान लीजिए पाई हो गया, फिर जब आप यहां से यहां तक आएंगे इस माइनस पाई में, फिर यहां से उधर क्लॉकवाइज में जा रहे हैं आप, तो फिर माइनस पाई कीजिए, तो माइनस पाई पहले तो यहां स्टार्टिंग था जीरो, फिर मान लीजिए माइनस टू पाई, माइनस पाई ऐड करते जाएगा एंगल में, फिर यहां से यहां तक आइएगा तो आ जाएगा माइनस थ्री पाई, फिर आप यहां से यहां आएंगे तो ये आ जाएगा माइनस फोर पाई, फिर यहां से यहां आइएगा तो आ जाएगा माइनस फाइव पाई, फिर देखिए यहाँ से यहाँ आइएगा तो आ जाएगा माइनस सिक्स पाई, चूंकि एंगल का जो रोटेशन है ना वो क्लॉकवाइज है, बार बार हम बोल रहे हैं इसीलिए एंगल को नेगेटिव ले रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ आइएगा तो माइनस सेवन पाई आ जाएगा। अब यहाँ आप देखिए इसका कोफिशियंट है माइनस वन, इसका इस पाई का कोफिशियंट है माइनस थ्री, इस पाई का कोफिशियंट है माइनस फाइव, इस पाई का कोफिशियंट है माइनस सेवन, यहाँ देखिएगा नहीं कुछ है तो जीरो इंटू पाई इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ देखिए यहाँ आ गया जीरो, यहाँ आ गया माइनस टू, यहाँ आ गया माइनस फोर, यहाँ आ गया माइनस सिक्स, यहाँ नहीं कुछ है तो यहाँ भाई आप लिख सकते थे जीरो इंटू पाई, तो यहाँ आ जाएगा टू इंटू पाई, फोर इंटू पाई, सिक्स इंटू पाई डॉट डॉट, बहुत सारे एंगल इसमें और भी आ जाएंगे। चलिए अब देखिए इसी सब चीज़ को यदि आप एक साथ मेजर करते हैं, देखिए यहाँ वन है, यहाँ माइनस वन है, यहाँ थ्री है, यहाँ माइनस थ्री है, यहाँ फाइव है, यहाँ माइनस फाइव है, यहाँ सेवन है, यहाँ माइनस सेवन है, तो इसको देखा जाए तो आप बोल सकते हैं ऑड। अच्छा बहुत सारे बच्चे का कमेंट था कि उनको दिखाई नहीं दे रहा है, ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर को यदि आप पाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस एंगल का जो पोजीशन होगा ना हमेशा एक्स एक्सिस पर ही आएगा, लेकिन एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से लेफ्ट दिखेगा, आप देख सकते हैं, देखिए जितना भी ऑड वाला एंगल था ना वो एक्स एक्सिस पर, ऑड मल्टीपल इनटू पाई जो था ना वो हमेशा एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से लेफ्ट बोले तो एक्स डैश पर लाई कर रहा है, और देखिए इवन वाला जितना भी है ना वो सब के सब एक्स पर लाई कर रहा है ना, आप एक्स डैश बोल सकते हैं, एक्स डैश बोल एक्स बोलिए, एक्स डैश इधर बोल दीजिए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, और इधर देखिए इवन इंटीजर, इवन इंटीजर बोले तो इवन इंटीजर, इवन इंटीजर कर देते हैं, एक मिनट थोड़ा सा, अब इसी चीज को हम आपको अच्छे से लिख करके दिखा देते हैं यहां पे।
यहां देखिए एक बात और हम लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं यहां पर पोजीशन, पोजीशन ऑफ एन पाई, जहां एन जो है इंटीजर है। ये जो एंगल आप एन पाई देख रहे हैं ना, इसका पोजीशन देखिए क्या होगा, एन पाई का पोजीशन जो होगा ना, एन पाई ऑलवेज लाई ऑन एक्स एक्सिस। एन पाई जैसा कि अभी हम आपको बताए थे इंटीजर मल्टीपल इंटू पाई हमेशा आपको हम एक्स एक्सिस पर दिखाए थे, अभी जस्ट हम आपको बोले थे इवन मल्टीपल इंटू पाई जब रहेगा तो वो इधर दिखेगा, ऑड मल्टीपल इंटू पाई जब रहेगा तो इस साइड दिखेगा। इसी प्रकार से एन पाई जो होगा हमेशा एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। और केस नंबर एक में इफ एन इज ऑड इंटीजर, इफ एन इज ऑड इंटीजर देन एन पाई लाई एक्स एक्सिस लेफ्ट फ्रॉम ओरिजिन इफ एन इज एन इवन इंटीजर देन एन पाई लाई एक्स एक्सिस राइट फ्रॉम ओरिजिन। मतलब ये हुआ कि एन पाई का जो पोजीशन है ना वो हमेशा एक्स एक्सिस पर लाई करता है, ये बात आपको पता है। यदि एन ऑड रहेगा तब एन पाई एक्स एक्सिस पर ही लाई करेगा और एक्स एक्सिस से लेफ्ट रहेगा, जैसा कि हम आपको यहाँ दिखा देते हैं। बहुत कम स्पेस होने की वजह से काफ़ी दिक्कतें आ जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जैसे टू पाई कहाँ होगा और थ्री पाई कहाँ होगा, फाइव पाई कहाँ होगा, तो याद रखिएगा यदि एन ऑड रहेगा मतलब ऑड इंटीजर को यदि आप पाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपको एक्स एक्सिस पर ही दिखेगा लेकिन ओरिजिन से लेफ्ट दिखेगा। इवन इंटीजर इंटू पाई जो है ना वो आपको एक्स एक्सिस पर ही दिखेगा लेकिन राइट दिखेगा। अब जैसे मान लीजिए इसी में हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए हम आपको बता रहे हैं कि 2 पाई प्लस थीटा कहां पर होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा मुझे ये बताइए। थीटा एक्यूट है, थीटा एक्यूट है मतलब थीटा 0 टू पाई के बीच में लाई कर रहा है, थीटा ज्यादा नहीं है, थीटा एक्यूट एंगल है। तो 2 पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा आप मुझे क्वाड्रेंट बताइए, इसका क्वाड्रेंट बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव दे देते हैं Q1 Q2 Q3 और डी में मान लीजिए Q4, ये किस क्वाड्रेंट में 2 पाई प्लस थीटा लाई कर रहा है, यदि आपसे पूछा जाए ये तो आप क्या बताएंगे। आप देख लीजिए सबसे पहले 2 पाई कहाँ होता है, 2 पाई का तो एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता है, 2 पाई का तो लोकेशन पता है ना। अभी तो जस्ट हम आपको बोले कि 2 पाई एन पाई, एन में यदि इवन रहता है तो 2 पाई एन पाई जो होगा एक्स एक्सिस पर ही लाई करता है। ये 2 पाई का आप लोकेशन तो आपको पता है, 2 पाई जो होगा यहाँ होगा, चूंकि 2 तो इवन होता है, इवन इंटीजर मल्टीपल इंटू पाई जो होगा ना वो इधर लाई करता है। अब यहाँ देखिए 2 पाई मतलब यहाँ पर है, वो चाहे ऐसे घूम के आया ऐसे, लेकिन यहाँ 2 पाई प्लस में, यहाँ देखिए ये इवन इंटीजर है। खैर कोई बात नहीं, सब हम बात नहीं करेंगे। यहाँ 2 पाई यदि आप इसमें थीटा ऐड करेंगे, थीटा ऐड करेंगे, थीटा याद रखिएगा प्लस थीटा का मतलब और माइनस थीटा का मतलब, माइनस थीटा का मतलब ये होता है, ये सिंबल है एक। अब प्लस थीटा का मतलब एंगल का जो रोटेशन हुआ होगा ना वो एंटी क्लॉकवाइज गया होगा, और माइनस थीटा का मतलब एंगल का जो रोटेशन होगा ना वो क्लॉकवाइज गया होगा। जैसे मान लीजिए इसमें आप यदि थीटा ऐड करते हैं तो प्लस थीटा ऐड कीजिएगा तो 2 पाई यहां पर है, अब प्लस थीटा का मतलब एंगल का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज तो इधर इस डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन थीटा यहां हम बोले हैं एक्यूट एंगल है
थीटा जब एक्यूट एंगल है तो इसी क्वाड्रेंट में रहेगा, चूंकि 0 टू 90 के बीच में एंगल जब आएगा तो वो इसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसका मतलब ये जो होगा ना फोर्थ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 पाई प्लस थीटा आकर के लाई करने लगेगा। और उसके बाद फिर चलिए फिर हम आगे बात करते हैं इसका 4 पाई माइनस थीटा बिलोंग्स टू, एक ऑप्शन ए है क्वाड्रेंट 1, ऑप्शन बी क्वाड्रेंट 2, ऑप्शन सी क्वाड्रेंट 3, ऑप्शन डी क्वाड्रेंट 4। 4 पाई माइनस थीटा, और थीटा हर एक केस में एक्यूट है। यदि आप एक्यूट नहीं लेते तो मान लीजिए थीटा एक्यूट नहीं लेते हैं, यदि हम ये नहीं बोलते आपको थीटा एक्यूट है फिर भी आप लोगों को तो आप लोगों काम चला लेते आप लोग इस बात से कि हाँ चलो इस क्वाड्रेंट में आएगा, लेकिन थीटा यदि एक्यूट नहीं होता, मान लीजिए कुछ भी हो सकता था, तो ये यहाँ भी जा सकता था, यहाँ भी, इसीलिए थीटा को रिप्रेजेंट करना मोस्ट जरूरी है। 4 पाई माइनस थीटा, थीटा जब एक्यूट एंगल है तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सबसे पहले आप क्या करें, इतना को आप चेक कर लेंगे ये आखिर कहाँ होगा, थीटा घटा लेंगे तो घटाने का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देंगे एंगल को, और यदि प्लस होता तो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर देते। तो पहले आप ये तो डिसाइड करें कि 4 पाई कहाँ होगा, तो 4 पाई हो जाएगा यहाँ पर। और देखिए 4 पाई यहाँ, मतलब 4 पाई यहाँ होने का मतलब मान लीजिए चलिए आपको पता है 1 पाई यहाँ होगा, 2 पाई, 3 पाई, नहीं गलत हो गया क्या, यहाँ देखिए यहाँ 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, मतलब कितना, इतना चक्कर लगा के आएगा तो 4 पाई। आप जब जलेबी इतना बनाइएगा फिर यदि यहाँ 100 पाई 1000 पाई दे देगा तब वहाँ तो आपका ये फेल हो जाएगा, तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप इतना पक्का जान लें कि 4 पाई का जो पोजीशन होगा वो एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, 4 पाई एक्स एक्सिस पर ही लाई करेगा, ये बात आपको पता होना चाहिए। और पाई का जो कोफिशियंट होगा यदि वो इवेन रहता है तो वो एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से राइट होगा, और यदि पाई का कोफिशियंट ऑड रहता है तो वो एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से लेफ्ट होगा। यहाँ देखिए पाई का कोफिशियंट है इवेन, सो यहाँ लाई करेगा आ करके 4 पाई। और यदि आप इसमें से थीटा घटाते हैं, मतलब 4 पाई में से थीटा घटाते हैं, थीटा जैसे ही माइनस में रहे तो मान लीजिए 4 पाई, हाँ इसमें से आप थीटा यदि घटाते हैं, घटाने का मतलब क्लॉकवाइज, माइनस थीटा का मतलब रोटेशन जो इस थीटा का होगा वो क्लॉकवाइज में चलने लगेगा, और इसका रोटेशन जैसे ही आप लिखेंगे तो वो आ जाएगा ऐसे, और ये 4 पाई माइनस थीटा जो होगा ना वो इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वो होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको ऑप्शन 4 दिखने लगेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन यही है और इसमें हम क्या कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, मान लीजिए अब क्वेश्चन तो आपने देख ही रखा है, क्वेश्चन को हम बदल देते हैं, यहाँ मान लीजिए 3 पाई माइनस थीटा है, चलिए ऑप्शन वही रहेगा क्योंकि क्वाड्रेंट ही चेक करना है मेरे को। तो इसमें देखते हैं अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होता है। इसमें देखिए 3 पाई माइनस थीटा, 3 पाई माइनस थीटा, 3 पाई का पहले पोजीशन देख लेते हैं कहां पर लाई करेगा 3 पाई, 3 पाई भी एक्स एक्सिस पर ही होगा, लेकिन यदि पाई का कोफिशियंट ऑड रहता है तो वो इस साइड होगा, इवन रहेगा तो इस साइड होगा, लेकिन यहां पाई का कोफिशियंट है ऑड, सो यहां लिख देते हैं 3 पाई। अब चलिए देखिए यहां पर थीटा क्या है, माइनस में है, तो माइनस में तो 3 पाई यहां है। अब आप यहां से देखिए घड़ी, आप क्लॉक जो है ना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप यहां से कैसे मेजर करते हैं, यदि आप इधर जाते हैं देख लीजिए घड़ी के डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, और इधर आते हैं तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब ये था क्लॉकवाइज, ये है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन यहां देखिए 3 पाई माइनस थीटा है, सो इस क्वाड्रेंट में आकर के 3 पाई माइनस थीटा लाई करने लगेगा। इसका मतलब थीटा माइनस में आया तो ये यहां चल जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 पाई माइनस थीटा। फिर से एक बार यहां है 3 पाई, 3 पाई का पोजीशन यहां पर है, और 3 पाई में से यदि आप थीटा सबट्रैक्ट करते हैं, थीटा जैसे आप सबट्रैक्ट कीजिएगा, सबट्रैक्शन का मतलब होता है एंगल माइनस में रहे तो, हम अभी जस्ट बोले थे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है, यहां से रोटेशन लेंगे जहां पर ये एंगल आपको कुछ एंगल के बारे में पता है, जैसे 3 पाई का एग्जैक्ट लोकेशन पता है आपको कि एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है और वो भी ओरिजिन से लेफ्ट। इसमें से यदि आप थीटा घटाते हैं, घटाने का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेगा, तो यहां से मान लीजिए क्लॉकवाइज इधर जाएगा, तो ये तो थीटा के एक्यूट होने की वजह से 3 पाई माइनस थीटा जो होगा वो लाई करने लगेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन जो होगा बी
करेक्ट है, और यहां मान लीजिए यदि प्लस में देता तो ऑप्शन सी करेक्ट होता, ठीक है ना। यदि यहां माइनस आप लेते हैं तो आपके लिए ऑप्शन बी सही है, सी सही नहीं होगा। और यदि आप प्लस में लेते हैं, जैसे मान लीजिए 3π यहां पड़ा है, इसमें यदि आप थीटा ऐड करते हैं, थीटा ऐड करेंगे तो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में एंगल रोटेट होने लगेगा, क्योंकि थीटा 3π तो यहां आकर के बेचारा स्थिर हो गया है ना। अब उसमें उसको पाए जाना था, पाए ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ऊपर जाने का मतलब ऊपर जा रहा है, मान लीजिए यहां से यहां आकर के रुक गया, फिर ऐसे गया। जैसे मान लीजिए कभी कभी आप देखते होंगे मशीन जब स्टार्ट होता है तो उसका रोटेशन, आप चक्का का रोटेशन देखिएगा, ऐसे 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 हो जाएगा। जब बंद होने के कगार पे आता है ना, जब वो बंद हो जाता है तो ऐसे ऐसे अस्थिर हो करके फिर वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए ऐसे रोटेट के अस्थिर होते होते फिर क्या करता है, ऐसे रोटेट हो जाता है। आपको वो जितना बार रोटेट हुआ, मान लीजिए एग्जैक्ट रोटेशन जो था ना उसका 3π यहाँ आ गया, लास्ट में प्लस माइनस थीटा पे डिपेंड करता है वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा ये चीज चेक करना रहे। तो यदि माइनस थीटा रहे तो आप क्या कीजिए, 3 जहां पर भी आपका पोजीशन जाता है एंगल का, यदि वो निगेटिव है तो आप क्या कीजिए, क्लॉकवाइज में लीजिए, और यदि प्लस में है तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कीजिए एंगल को। जैसे 3π प्लस थीटा था, 3π यहाँ आ गया, थीटा ऐड करना है, एड जैसे ही आप प्लस देखे तो एंटी क्लॉकवाइज। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए इस पर हम बात कर लिए, इवन ऑड बात कर लिए, चलिए अभी तो काम चलाओ इसके ऊपर, एक अब जैसे देखिए 3π, 5π, जैसे मान लीजिए 5π प्लस थीटा का बात करेगा, बिलोंग्स टू ऑप्शन में क्वाड्रेंट 1, ऑप्शन बी क्वाड्रेंट 2, ऑप्शन सी क्वाड्रेंट 3, ऑप्शन डी क्वाड्रेंट 4 है ना। ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा 5π प्लस थीटा, आप देख लीजिए 5π का जो क्या कहते हैं एग्जैक्ट लोकेशन होगा ना, तो ये ऑड पाई के साथ ऑड मल्टीपल है, सो यहाँ आ जाएगा ये 5π। इसमें आप थीटा ऐड करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करा दीजिए, ये एंगल आ जाएगा आपका 5π प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये इसमें आ गया। अब चलिए हम बात करते हैं ये सब का इसके ऊपर, जिसके चलते हम तभी से आपको इतना सारा चीज बताए हैं। थोड़ा मोड़ा आपको क्वाड्रेंट का नॉलेज होगा, किस क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं और किस में निगेटिव होते हैं, देख लीजिए। फिर भी शॉर्ट रिवीजन कर देते हैं, याद रखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसमें होता है ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, टी डॉट आर डॉट मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, मतलब जो आप साइन कॉस टेन कॉस एक्स एक के बारे में जानते हैं वही है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस एक को CSC से भी लिखा जाता है, कॉस एक जो होता है ना वो होता है पॉजिटिव और रेस्ट होता है निगेटिव, और इसमें जो होगा ना टेन कॉट होगा पॉजिटिव, रेस्ट जो होगा रेस्ट आर निगेटिव, इसमें जो होगा सेक और कॉस पॉजिटिव, रेस्ट आर निगेटिव होता है इसमें। अब यहां चलिए इसमें हम वैल्यू निकालते हैं, जैसे मान लीजिए कॉस पाई माइनस थीटा आपको निकालने के लिए दिया गया था, आप ये देखें कि पाई यहां पर होता है, जैसा कि अभी हम आपको बता दिए हैं पहले ही, इसका लोकेशन कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, क्योंकि ये पाई का जो कोफिशियंट है वो 1 है जो कि ऑड इंटीजर है। कितना मिनट, 46 मिनट, अच्छा ठीक है ना, ये जो है ऑड इंटीजर है, पाई का जो आप देख रहे हैं यहां पर, पाई का जो लोकेशन है वो यहां होगा, पाई का जो कोफिशियंट वो है ऑड, और यदि आप देखिए यहां पर पाई माइनस थीटा यदि आप निकालते हैं तो यहां आ गया पाई,
यदि इसमें से आप माइनस थीटा करते हैं, माइनस थीटा बोले तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहां से एंगल इधर रोटेट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई माइनस थीटा, ये आ जाएगा पाई प्लस थीटा आ जाएगा, क्योंकि आप जब थीटा ऐड करेंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने लगेगा एंगल। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। अब यहां देखिए पाई माइनस थीटा या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है या तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में देखा जाए तो कॉस इसमें भी नेगेटिव है, इसमें भी नेगेटिव है, मतलब दोनों ही क्वाड्रेंट में, चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक को छोड़ करके बाद बाकी सब के सब नेगेटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट को छोड़ के सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होता है। और पाई प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसके वजह से यदि आपको ये बोला जाए कि कॉस पाई माइनस थीटा, बताइए सर क्या होगा, बताओ बच्चे क्या होगा पाई माइनस थीटा और पाई प्लस थीटा। देखिए पहले आप क्या कीजिए, एंगल देख लीजिए है ना, और याद रखिएगा एन पाई, एन पाई प्लस माइनस थीटा पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बदलता नहीं है बल्कि वही रहता है। जैसे मान लीजिए साइन आप पाई माइनस थीटा यदि लेते हैं या कॉस पाई माइनस थीटा लेते हैं, इस पर क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बदलेगा नहीं, एन पाई प्लस माइनस थीटा पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बदलता ही नहीं। इसका मतलब देखिए कॉस एन पाई माइनस थीटा है, इस पर भी कॉस कॉस में ही रहेगा, मतलब इसका जो रिजल्ट आने वाला है ना आगे वो वही आने वाला है। और मान लीजिए ये जो रहता है ना, ये रिमाइंडर है, मान लीजिए ये बच गया है, शेष बचा हुआ है ना पाई माइनस थीटा में से, मान लीजिए यदि ये जीरो होता तो ये पाई ही दिख जाता कि रिमाइंडर है। आप कॉस पाई माइनस थीटा को आप ऐसा बता सकते हैं, कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू, आप हमेशा रिमाइंडर को आर्गुमेंट में लिख दें हमेशा, जैसे मान लीजिए कॉस पाई माइनस थीटा है तो आप लिख दें कॉस थीटा। लेकिन अब क्या करें कि जो कॉस के आर्गुमेंट में है, जैसे यहां मान लीजिए पाई माइनस थीटा है, वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, आप ये चीज देख लें। जैसे मान लीजिए पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड में, सेकंड क्वाड्रेंट में देख लीजिए कि ये जो कॉस है ये प्लस में होता है कि माइनस में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होता है, तो आप यहां क्या करें उसका साइन लिख दें, यदि वो नेगेटिव है तो नेगेटिव लिख दें, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लिख दें। फिर जैसे मान लीजिए ये पहला नंबर एग्जांपल था, दूसरा नंबर देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कॉस है, कॉस मान लीजिए पाई दे दिया प्लस थीटा दे दिया, इसको आप लिखना चाहते हैं, तो आप ऐसा सोचिए कॉस एन पाई प्लस माइनस, मतलब जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो एन पाई प्लस माइनस थीटा पर नहीं बदलता है, मतलब यदि आप आर्गुमेंट में ये लिख दीजिएगा ना, साइन के आर्गुमेंट में, ये कॉस के आर्गुमेंट में, टेन के आर्गुमेंट में, सेक कॉसेक, जितने भी हैं छह ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के आर्गुमेंट में यदि आप इसको लिखते हैं तो उनसे क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक बदलेगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए यहां ऐसा नहीं कि जैसे आप पढ़े होंगे साइन नब्बे माइनस थीटा जो होता है ना कॉस थीटा होता है, वहां क्या होता है साइन नब्बे माइनस थीटा जो होता है ना वो हो जाता है प्लस कॉस थीटा, यहां क्या हो गया बदल गया एंगल लेने पर, लेकिन एन पाई माइनस थीटा पर भी प्लस थीटा पर भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बदलेगा नहीं, मतलब कॉस कॉस में ही रहेगा, तो आप लिख दीजिए यहां पर कॉस, ये थीटा आगे में है तो उसको थीटा को यहां लिख दीजिए, और इसका क्वाड्रेंट चेक कर लीजिए ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यदि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा तो प्लस लेंगे यहां पर, यदि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा तो माइनस लेंगे, थर्ड में माइनस, फोर्थ में तो कॉस प्लस होता है तो यहां प्लस हो जाता, इसीलिए इसका पोजीशन चेक करना जरूरी है। पाई प्लस थीटा देखिए यहां इसका चेक हो गया है, ये है किस क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, नहीं सेकंड, नहीं थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में भी कॉस नेगेटिव होता है इसीलिए माइनस कॉस थीटा हो गया। चलिए इसको इरेज करते हैं, इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है, आपके बोर्ड पे लिखा हुआ ही रहेगा तभी आपसे ये बनेगा, आपको पता होना चाहिए इस प्रकार से साइन होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। चलिए जैसे फिर दे दिया आपको कॉस 4 पाई माइनस थीटा, यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, पहले 4 पाई माइनस थीटा बता दीजिए किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 4 पाई देखिए यहाँ पाई का कोफिशिएंट जो है वो है इवन, यहाँ आ जाएगा 4 पाई, जैसे आप माइनस थीटा करेंगे तो यहाँ आकर के देखिए क्लॉकवाइज किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज किधर एंगल होगा, यदि इधर आप लेते हैं तो एंटी क्लॉक हो जाएगा, इधर लेते हैं तो क्लॉक आ जाएगा, और थीटा जो है एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, सो 4 पाई माइनस थीटा जो होगा ना वो आ जाएगा किस क्वाड्रेंट में, देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का अपना चलता बनता है, बोले तो ये पॉजिटिव होगा, और आपको बता दिए हैं पहले ही कॉस एन पाई प्लस माइनस थीटा हो या टेन एन पाई प्लस माइनस थीटा, उस पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बदलता ही नहीं है, मतलब आप बोले तो आप बोल सकते हैं ऐसा कॉस
थीटा बोल दीजिए। अब चलिए फिर आगे चलते हैं, कॉस फाइव पाई माइनस थीटा, अब फोर पाई प्लस थीटा एक ले लेते हैं, फोर पाई प्लस थीटा। अब यहाँ फोर पाई प्लस थीटा कीजिएगा तो ये जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये एंगल फोर पाई प्लस थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस होता है प्लस, और इस पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बदलता नहीं है कि कॉस का कॉस ही रह जाएगा, यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा आ जाएगा। ओके, फिर यहाँ चलिए कॉस आ जाएगा सेवन पाई माइनस थीटा, सेवन पाई देखिए यहाँ होगा क्योंकि ऑड मल्टीपल इंटू पाई है, सो एक्स एक्सिस के एक्स डैश अप्लाई करेगा ये, और इसमें यदि आप थीटा घटाते हैं ना तो ये आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा, और कॉस थीटा ले लीजिए। फिर मान लीजिए कॉस आ जाएगा सेवन पाई प्लस थीटा का वैल्यू आपसे पूछा जाए, आप ये बता सकते हैं ये किस क्वाड्रेंट में, अच्छा इस पर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो बदलता नहीं है, पहले आप ऐसा कर सकते हैं, इतना भी आप कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका क्वाड्रेंट चेक कर लीजिए, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये क्वाड्रेंट सेवन पाई प्लस थीटा आ जाएगा थर्ड में, और थर्ड में कॉस होता है नेगेटिव, बस इस तरीका से। अब चलिए इसमें आते हैं, अब आपको पूरा पूरी क्लियरली पता चल गया होगा, अब हम ये तमाम फंक्शन को फालतू लिखे गए को डिलीट कर देते हैं। ये था आपका बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक का कंसेप्ट, अब चलिए अब यहां बात करते हैं ये कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस थ्री पाई माइनस थीटा, कॉस थ्री पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा क्यों होता है, आपको पता चल गया होगा। ये देखिए पाई, ये पाई के बारे में आपको पता चल गया, पाई यहाँ है, पाई जब यहाँ है पाई माइनस थीटा कीजिएगा तो ऊपर जाएगा, पाई प्लस थीटा कीजिएगा तो नीचे आ जाएगा, ये सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, सो यहाँ आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। थ्री पाई भी यही होगा, थ्री पाई में से थीटा घटाइएगा तो ऊपर जाएगा, थीटा जोड़िएगा तो नीचे आ जाएगा, वो भी सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, इसीलिए यहाँ माइनस कॉस थीटा। बहुत सारा नीचे एंगल आप जब लेते जाएंगे तो आपको कॉस नेगेटिव दिखेगा, लेकिन उतना जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए फॉर्मूला जो यहाँ जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स है, तो बच्चे लोगों को लगता है यार यहाँ पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स अप्रूव्ड करने के लिए दिया गया है तो चलो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स से ही काम चलाओ, लेकिन नहीं, अरे यदि वो लिखा है ना तो कुछ ना कुछ सोच के लिखा होगा ना, फॉर्मूला है तो कोई जरूरी है कि, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है तो आप सोच सकते थे कि हम इसको पाई माइनस लिख देते हैं, चूंकि थ्री पाई लिखने के लिए बोला नहीं है, पाई प्लस थीटा लिखने के लिए यहाँ बोला नहीं गया है, चलिए अब इस पर बात करते हैं। अब ये इसमें जो है, बाप रे इतना डिस्टर्बेंस है ना, एक मिनट, गांव की वजह से काफ़ी परेशानी हो रहा है, बार बार मेरे को वीडियो को पोस्ट करना पड़ रहा है, इतना डिस्टर्बेंस, लॉकडाउन होने के बावजूद भी यहाँ काम चलते रहता है गांव में। चलिए अब देखिए यहां पर आप माइनस कॉस अल्फा को कितने तरीके से आप लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए अभी हम इसको रोकते हैं एक मिनट के लिए, चलिए ये तो आपका मेन कंसेप्ट ही है, ये तो प्रूव नहीं करना है आपको, एक बार ये लेकर के देखते हैं। जैसे मान लीजिए x इक्वल्स टू, बच्चे के दिमाग में तो आना चाहिए ना कि यदि यहाँ माइनस कॉस अल्फा है, इसमें से आप किसी भी कंसेप्ट को यदि आप यूज कर लेते हैं तो आपका सही होना चाहिए। तब चलिए यहाँ हम यूज करते हैं कॉस, आप ये मत देख करके चलिएगा कि प्रूव्ड करने के लिए है इसीलिए ऐसा लिखे हैं, नहीं, ये प्रूव्ड करने के लिए है तो एग्जैक्ट उसके रेंज में आ जाता है, इसीलिए पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, नहीं तो ऐसा भी लिख सकता था तो भी सही हो जाता। तो कॉस मान लीजिए ले लेते हैं पाई प्लस थीटा, अब चूंकि आपको लाना है, देखिए यहाँ पे कॉस इनवर्स का जो आर्गुमेंट है ये है प्लस में है, तो यहाँ अब तो यहाँ प्लस एक्स हो गया है, अब इस कॉस को आप उठा करके इस साइड कर सकते हैं, तो ये मान लीजिए आ गया कॉस इनवर्स एक्स और पाई प्लस थीटा, थीटा निकालना था तो ये आ जाएगा माइनस प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, क्या ये सही है मेरा, क्या ये मेरा सही है? यदि आप कंडीशन पे ध्यान नहीं देते हैं
जैसे मान लीजिए यहाँ जो हम कंडीशन लिखते हैं, यदि आप इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, यदि आप इस तरीका से भी बना देते हैं, तो आपकी नज़र में ये 100% सही है, लेकिन मेरी नज़र में ये 100% रॉन्ग है, रॉन्ग। एक ही क्वेश्चन बनाइए दिन में, लेकिन एकदम पूरे कंसेप्ट के साथ, तो आपको तब जो खुशी मिलेगी, आप जो उनके बारे में जानेंगे, जैसे आप देखिएगा मेरे वीडियो को, एक एक दिन में, एक एक लेक्चर में जो है ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो पाई है, लेकिन जिस किसी को भी उठाए हैं उसके विषय में पूरा का पूरा जितना उसका इन्फॉर्मेशन है वो तमाम को हम आपके सामने पूरा पूरी खोल दिए हैं, है ना। मतलब उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है हमको और कोई खोल पाएगा, इससे ज़्यादा इसका और भी होगा, हो सकता है, हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, करने वाले लोगों की कमी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन फिर भी जहाँ तक बात है आपके लिए ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं भी जानते यदि ये भी लिख देते तो भी तो माइनस कॉस अल्फा आ रहा है ना, आप इधर से आप माइनस कॉस इनवर्स एक्स जब आप लेते हैं तो भी मेरा सही होना चाहिए, तब तो ये भी प्रूव्ड करने के लिए दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? अब देखिए, आप जो यहाँ पर इनवर्स लिए, क्या इस एंगल का रेंज आपने चेक किया कि ये 0 to π के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जब तक ये 0 to π के बीच में थीटा लाई नहीं करेगा तब तक आप इनवर्स कैसे लेंगे? तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो एंगल है आपका, ये 0 to π के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब तक ये लाई नहीं करेगा 0 to π के बीच में, तब तक आप लेंगे, अच्छा ये अल्फा है तो आप अल्फा ले लें, यहाँ अल्फा, तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि पाई प्लस अल्फा जो है 0 to π के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि वो करता तो मेरा ये भी सही होता, तभी हम इनवर्स ले पाते। तो इसके लिए चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ पर चेक कर लेते हैं, क्योंकि अल्फा जो है 0 to π के रेंज में है, और यहाँ देखिए फिर इसमें आप पाई प्लस अल्फा निकालिएगा, सब में पाई ऐड कर दीजिए, 0 + π, फिर यहाँ आ जाएगा अल्फा प्लस पाई, फिर यहाँ आ जाएगा पाई प्लस पाई, ठीक ना। तो ये आ जाएगा पाई, ये आ जाएगा अल्फा प्लस पाई, यहाँ आ जाएगा 2π। तो यहाँ देखिए अल्फा और प्लस पाई जो है ना, ये पाई 2π है। जब तक ये एंगल लिख देते हैं यहां पे, जब तक ये एंगल जो है 0 to π में नहीं लाए करेगा, तब तक इनवर्स निकालना संभव नहीं। ऐसा नहीं है कि इसको हम अंग्रेजी में नहीं लिख सकते हैं, उतना भी अंग्रेजी कमजोर नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी समझने के लिए हम आपको बता दें कि जब तक ये एंगल 0 to π में नहीं लाई करेगा तब तक इनवर्स नहीं निकलेगा। कम से कम आपको ये बात फील आएगा, फील कि हाँ यार सच में ये एंगल 0 to π में नहीं है। हम देखिए यहाँ आपको दिखाए हैं, तो इनवर्स निकालना गलत था ना मेरा, यहाँ जो हम इनवर्स निकाले कॉस इनवर्स लिख दिए। यदि आप ध्यान नहीं रखते हैं इसके ऊपर कि इनवर्स उसी फंक्शन का निकलेगा, या किसी भी फंक्शन का यदि आप इनवर्स निकालते हैं तो वह फंक्शन उस कंडीशन को पूरा पूरी फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि नहीं करेगा तो आपका निकालना बिल्कुल गलत है, तब इस तरीका से निकाल करके आप टाइम पास कर रहे हैं फालतू का। अब देखिए यहाँ पर पाई प्लस थीटा पर नहीं आ रहा है, 3π मैंने सोचने वाली बात है, यदि पाई प्लस थीटा पर नहीं आ रहा है, पाई से तो 3 गुना है ना, होता है ना 3π, इस पर तो और नहीं एंगल आएगा, और 3π प्लस थीटा पर तो और भी नहीं दिखेगा, 3π माइनस थीटा पर नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए इसमें आप क्या कीजिएगा, 3π ऐड कीजिएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3π, यहाँ आ जाएगा 4π। जैसे मान लीजिए यहाँ 0 + 3π कीजिएगा, यहाँ आ जाएगा अल्फा प्लस 3π, और यहाँ आ जाएगा 4π। अब आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये क्या ये कभी 0 to π के रेंज में आएगा क्या? तो मतलब ये हुआ कि ये सब एंगल पर यदि आप इनवर्स फंक्शन का निकालेंगे तो इनवर्स डिफाइंड ही नहीं होगा। तो डिफाइंड अब इस पर है कि नहीं है ये तो चेक करना पड़ेगा ना, इस पर भी है कि हम ऐसे लिख दिए हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स अल्फा, इसलिए एक बार इसको चेक करते हैं पाई माइनस थीटा को, एक बार क्या ये पाई माइनस थीटा पर इनवर्स
निकलेगा इसका। और ये तमाम चीजें हम इसलिए कर रहे हैं कि जब तक ये माइनस हटेगा नहीं यहां से तब तक हम इनवर्स ले ही नहीं पाएंगे। मेरा मेन वजह यही था कि माइनस को हटा दें, और माइनस हट भी जाए और इनवर्स भी निकल जाए तो किस एंगल पर निकलेगा, वो एंगल का हम खोज कर रहे हैं अभी। तो अब जैसे देखिए यहां पर क्या किए हम, लिख दिए यहां पर कॉस पाई माइनस अल्फा। अब हम यहां ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस इनवर्स एक्स? नहीं, अभी नहीं, बिना ये जाने हुए कि सही में पाई माइनस अल्फा जीरो टू पाई के बीच में है कि नहीं है। चलिए, चूंकि अल्फा के बारे में तो आपको पता है ना, चूंकि अल्फा जो है जीरो टू पाई में लाई कर रहा है। देखिए अब यहां माइनस अल्फा है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा जीरो, आ जाएगा माइनस अल्फा, ये आ जाएगा माइनस पाए। सब में आप पाए ऐड कर लीजिए तब जाकर के आपको मिलेगा पाए माइनस अल्फा। तो इसमें पाए ऐड कीजिएगा तो यहां आ जाएगा पाए, यहां आ जाएगा पाए माइनस अल्फा, यहां आ जाएगा जीरो। फिर यहां देखा जाए तो ये आ जाएगा पाए माइनस अल्फा और यहां आ जाएगा पाए। देखिए यहां पर पाए माइनस अल्फा बिलोंग्स टू जीरो टू पाए। क्या ये एग्जैक्ट उस रेंज में आ गया जिस रेंज में हम लाना चाहते थे? अब देखिए इसका रेंज सही हो गया। ये जो आप देख रहे हैं ना पाए माइनस अल्फा, इसका जो एग्जैक्ट रेंज है ना वो जीरो टू पाए में आ गया। तो अब आप यहाँ ले सकते हैं, और आपको हम यहाँ बता दिए पहले ही कि यदि थीटा जीरो टू पाए में रहेगा तो आप इनवर्स ले सकते हैं। तो अब यहां से आप इनवर्स ले सकते हैं। अब ये इनवर्स डिफाइन हो जाएगा तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स। चलिए लिख देते हैं ब्लैक से ही, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा पाए माइनस अल्फा, और अल्फा का वैल्यू निकालना था तो इसको उठा के साइड, और इस कॉस इनवर्स को उठा के उस साइड करेंगे। अब जा करके कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाए माइनस कॉस इनवर्स एक्स आएगा। थोड़ा सा टाइम देख लेते हैं कितना कितना टाइम है। अच्छा, एक घंटा हो गया। ये हो गया इसका एग्जैक्ट प्रूफ। देखिए कितना लफड़ा था इसमें। यदि आप इतना लफड़ा को नहीं ढोते हैं और फॉर्मूला यदि आप याद कर लेते हैं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स का पाए माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन मेरा काम इतना में नहीं चलता, मेरा जो काम है इतना में नहीं चलता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बात से भी वो ज्यादा खुश हो जाते हैं कि हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन काश मिलता और उसके बारे में जानते। तो उनके लिए भी है और आपके लिए ही है। एक वीडियो और हम बनाएंगे शॉर्टकट वाला वीडियो, जिसमें कि आपको बता देंगे एक घंटा में ही आपका पूरा जितना भी यहाँ थ्योरी डिस्कशन हुआ है उसका डिस्कशन, और एवं साथ ही साथ उसका जो प्रूफ होगा ना वो भी हम कर देंगे। चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में हो गया है, सब कुछ हम जान गए हैं। एक बार इसका ग्राफ देख लेते हैं फिर इस वीडियो को यहीं रोकेंगे। आज के लिए इतना ही होगा। चलिए इसका ग्राफ खींचते हैं, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x का। इसमें देखिए ये जो y है ये 0 टू पाई लाई करेगा, और ये x जो होगा माइनस वन से वन के बीच में जाएगा। किसी भी फंक्शन का ग्राफ को खींचने के लिए हम आपको बता दिए हैं, सबसे पहले आप एक टेबल बना लें x एक्सिस y एक्सिस का। x की जगह पर जीरो रख करके y का वैल्यू निकालिए। x की जगह पर जीरो जब आप डालेंगे, cos inverse 0 होता है पाई बाई टू, ये दिखेगा आपको पाई बाई टू। फिर एक बार x की जगह पर माइनस वन डालिए, cos inverse माइनस वन, ये आ जाएगा पाई माइनस cos inverse 1, cos inverse 1 होता है जीरो, इसका वैल्यू आ जाएगा
पाए, कॉस इनवर्स वन निकालिएगा, इसका आ जाएगा जीरो, इतना बात हम कर चुके हैं पहले ही, इसका आ जाएगा पाए, और ये जो होगा वन पर आ जाएगा इसका वैल्यू जीरो। एक बार चेक कर लेते हैं फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, कॉस इनवर्स देखिए यहां पे जैसे कॉस जीरो का वैल्यू होता है वन, कॉस पाई बाय सिक्स का वैल्यू होता है रूट थ्री बाय टू, कॉस पाई बाय फोर का वैल्यू होता है वन बाय रूट टू, कॉस पाई बाय थ्री का जो वैल्यू होता है ना वो होता है वन बाय टू, कॉस पाई बाय टू का जो वैल्यू होता है ना वो होता है जीरो। अब आप देख लीजिए एंगल में यदि आप देखते हैं ये आता है जीरो, जीरो छोटा होता है पाई बाय सिक्स से, और फिर ये पाई बाय सिक्स छोटा होता है पाई बाय फोर से, फिर पाई बाय फोर छोटा होता है पाई बाय थ्री से, फिर ये छोटा होता है पाई बाय टू से। यदि आप इस पर कॉस का वैल्यू निकालेंगे जीरो पर, कॉस जीरो का वैल्यू आया वन, पाई बाय सिक्स पर कॉस का वैल्यू निकालते हैं तो रूट थ्री बाय टू आता है, पाई बाय फोर पर यदि आप कॉस का वैल्यू निकालते हैं तो वन बाय रूट टू आता है, पाई बाय थ्री पर यदि आप कॉस का वैल्यू निकालते हैं तो वन बाय टू आता है, और पाई बाय टू पर यदि वैल्यू निकालते हैं तो ये आता है जीरो। लेकिन यहाँ देखिए सबसे छोटा ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये होता है। अब आप ऐसा बोल सकते हैं, ये मान लीजिए एक्स का मान है और ये तो हो गया वाई का, यदि आप एक्स बढ़ा रहे हैं तो वाई बढ़ रहा, वाई घट रहा है, या आप एक्स को बढ़ाने पर यदि वाई घटता है तो फंक्शन हो जाता है डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग फंक्शन है ग्राफ आपको हम बताए थे या तो ऐसा होता है या इस प्रकार से होता है, या मान लीजिए इस प्रकार से होता है, मतलब एक्स को बढ़ाने पर यदि वाई घटे, वाई को बढ़ाने नहीं, एक्स को बढ़ाने पर यदि वाई घटता है तो फंक्शन होता है डिक्रीजिंग। अब ये मेरे को पता चल गया कि कॉस इनवर्स एक्स जो है ना डिक्रीजिंग फंक्शन है, पता चल गया ना कॉस इनवर्स एक्स जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसका ग्राफ जो होगा वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा और ये तमाम पॉइंट से होकर के पास करेगा। चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का होना जरूरी है, तो यहाँ कर लेते हैं, इससे भी अच्छा बन सकता है। यहां हो गया जीरो। अच्छा चलिए पहले माइनस वन और वन को दिखा देते हैं, यहां हो जाएगा माइनस वन, यहां हो जाएगा वन, और यदि आप x की जगह पर जीरो लेते हैं तो y का वैल्यू आता है पाई बाय टू, x इक्वल्स टू जीरो होता है y एक्सिस पर, और पाई बाय टू का मतलब 1.57, जैसे मान लीजिए वन यहां से यहां तक लिए हैं और थोड़ा सा और ये इधर जाएगा तो यहां आएगा, बहुत होगा तो पाई बाय, अरे कम ही कर देते हैं इसको, यहां ले लेते हैं वन, यहां ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं माइनस वन, यहां वन और यहां पाई, और यहां पाई बाय टू। ठीक है, अब देखिए x के जगह जीरो तो y का वैल्यू पाई बाय टू, x के जगह जीरो तो y का वैल्यू पाई बाय टू यहां आएगा, x के जगह माइनस वन y के जगह पर पाए, x के जगह पर माइनस वन y के जगह पर पाए, तो ये जो होगा ना यहां आ जाएगा, फिर x के जगह पर वन y के जगह पर जीरो। अब आप ध्यान दीजिएगा कि ये तमाम पॉइंट से ग्राफ पास होते हुए जाएगा और डिक्रीजिंग भी होगा, मतलब डिक्रीजिंग मतलब गिरते हुए, तो आप खींच दीजिए और कर्व होना चाहिए, चूंकि ये कॉस इनवर्स एक्स कोई लाइन तो है नहीं, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन को तो रिप्रेजेंट कर नहीं रहा है, या स्ट्रेट लाइन जैसा है नहीं कि इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ये तो कर्व होगा, और मतलब वो कर्व यहां से यहां से यहां से भी जाना चाहिए, तो आप डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ खींचिए जो ये तमाम पॉइंट तीनों पॉइंट से पास करे, तो आप ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीका से।
डिक्रीज कर रहा है और यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से डिक्रीज करेगा, और यही जो हो गया ग्राफ आपका, यही है y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ। चलिए, आज पूरा इस वीडियो में डिस्कशन हुआ है कॉस इनवर्स के बारे में, आज हम यहीं रोकते हैं इस वीडियो को। चलिए, थैंक यू।